हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिसमें कि हम अब तक के बन चुके अब तक हमारे सत्रह कार्यकाल सत्रह कार्यकाल चल रहा है राष्ट्रपति का तो हम सत्रह के सत्रह राष्ट्रपतियों के नाम और उनके विषय उनके बारे में बनने वाले क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट हैं पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम तो देखिए आप हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति तो नंबर वन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म अट्ठारह में हुआ था और मृत्यु उन्नीस में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जन्म और मृत्यु लेकिन हम जन्म और मृत्यु को जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं तो इनका कार्यकाल था छब्बीस जनवरी उन्नीस से मई तेरह मई उन्नीस तक तो ये इन्होंने वैसे ये कार्यकाल में थे ये मनोनीत हुए थे उनको ऐसे ही चुना गया था और दो बार ये निर्वाचित होकर बने थे तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे और सर्वसम्मति से नियुक्त राष्ट्रपति एक बार ये दो साल के लिए सर्वसम्मति से नियुक्त हुए थे उन्नीस सौ बावन तक फिर उन्नीस सौ बावनवे चुनाव कराए गए तो फिर ये उन्नीस सौ बावन सौ सतावन और सतावन से बासठ तक ये राष्ट्रपति बने थे और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था और दो बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं ये दो बार राष्ट्रपति बनने वाले अब तक सिर्फ और एक एक बार बने हैं ये दो बार बने हैं और हमारी संविधान मातृ सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ये और भारत रत्न उन्नीस सौ बासठ उन्नीस सौ में इन्हें भारत रत्न मिला है तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इनका जन्म अठारह में मृत्यु उन्नीस में कार्यकाल था इनका मई तेरह मई उन्नीस सौ से तेरह मई उन्नीस सौ तक प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारतीय राष्ट्रपति थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं और प्रथम व्यक्ति जो भारत रत्न से सम्मानित हैं उन्नीस में इन्हें भारत रत्न मिला प्रथम बार इन्हें ही दिया गया था भारत रत्न और ये शिक्षक राष्ट्रपति भी थे इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था इसलिए शिक्षक दिवस को मनाया जाता है पाँच सितंबर को पाँच सितंबर को अब हम पढ़ रहे हैं नंबर तीन डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में इनका जन्म अठारह सौ में हुआ मृत्यु उन्नीस में कार्यकाल कार्यकाल तेरह मई उन्नीस सौ सड़सठ से तीन मई उन्नीस सौ उनहत्तर तक ये प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे मुस्लिम राष्ट्रपति थे इसलिए अल्पसंख्यक और प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ इसलिए ये उन्नीस सौ सड़सठ से उन्नीस सौ उनहत्तर ये दो ढाई साल रहे थे सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति यही हैं और इन्हें भारत रत्न मिला था उन्नीस सौ में नंबर चार है वराहगिरी वेंकटगिरी यानी कि वी वी गिरी आपने वराहगिरी नाम नहीं सुना होगा लेकिन वी वी गिरी के बारे में आपने पढ़ा होगा इनका जन्म अठारह सौ चौरासी में हुआ मृत्यु उन्नीस सौ अस्सी में और इनका कार्यकाल है तीन मई उन्नीस सौ उनहत्तर से जुलाई बीस दो हज़ार दो जुलाई बीस उन्नीस सौ उनहत्तर ये कुछ ही दिन के लिए बने थे जैसे कि आप देख रहे हैं मई तीन से जुलाई बीस ये लगभग दो महीने के लिए बने थे और ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनको बनाया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन हो गया तो इन्हें भारत रत्न दिया गया उन्नीस में ये आगे आएंगे एक बार इनका कार्यकाल और रहा था अब हम पढ़ेंगे नंबर पाँच न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला इनका जन्म 1905 और मृत्यु उन्नीस में हुई और इनका कार्यकाल रहा था 20 जुलाई उन्नीस से चौबीस अगस्त उन्नीस तक ये थे कार्यवाहक राष्ट्रपति ये न्यायमूर्ति इसलिए लगा रहा था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था और राष्ट्रपति का पद भी खाली था इस कारण इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है इसलिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे कुछ दिनों के लिए जुलाई से एक लगभग एक महीने बने थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले तो वो वी वी गिरी बने थे और दूसरे ये थे वी वी गिरी बाद में बनते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा उन्होंने इसीलिए दिया था इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे तो ये वो राहगिरी भैक्टगिरी वी वी गिरी जन्म अठारह मृत्यु उन्नीस कार्यकाल चौबीस अगस्त उन्नीस सौ उनहत्तर से चौबीस अगस्त उन्नीस सौ चौहत्तर तो तक द्वितीय मतगणना से निर्वाचित थे मत राष्ट्रपति इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से मैं कभी आपको पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि द्वितीय मतगणना से इनकी मतगणना जैसे फर्स्ट मतगणना दीवीय मंत्रगणना से तो ये द्वितीय मंत्रगणना से निर्वाचित हुए थे नंबर सात आता है फखरुद्दीन अली अहमद तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम इनका जन्म उन्नीस सौ पाँच मर्त्यु उन्नीस सौ स्तंत्र कार्यकाल चौबीस अगस्त उन्नीस सौ चौहत्तर से फरवरी ग्यारह उन्नीस सौ सतहत्तर इनका भी निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान द्वितीय अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और मुस्लिम राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान निधन सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इनके समय में उनचालीस बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया क्योंकि इस टाइम इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगाई थी वो उसी समय ये थे और उसी समय इन्होंने उनचालीस बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया था आगे आते हैं नराठ बीडी जत्ती ये भी कार्यवाही थे जन्म उन्नीस मृत्यु दर दो कार्यकाल फरवरी ग्यारह उन्नीस सौ से पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बारे में ज्यादा किसान नहीं बोस सकता है लेकिन हमें ये मुख्य मुख्य इनके बारे में ध्यान देना जरूरी है नीलम संजीव रेड्डी ये इंपॉर्टेंट है जन्म उन्नीस सौ तेरह मरती उन्नीस सौ छियानवे कार्यकाल पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ सतर से जुलाई पच्चीस उन्नीस सौ बयासी पाँच साल पूरा कार्यकाल किया था इन्होंने ये एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति ये जिनके इनके सामने परिचित भरे गए थे लेकिन वो परिचित निरस्त होने के कारण ये निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए थे राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति सबसे कम उम्र में बने थे नंबर दस आप था ज्ञानी जेल सिंह जन्म उन्नीस मृत्यु सोलह उन्नीस कार्यकाल जो पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ बयासी से पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ सतासी प्रथम सिख राष्ट्रपति जेबी व्यूटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति नंबर ग्यारह जे बी बीटो के बारे में हम पढ़ेंगे कि जेबी बूटो क्या होता है जिस पर कि कोई मतलब कानून मंत्र कराता है तो उस पर व्यूटो का क्या प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा आर वी जन्म उन्नीस सौ दस मृत्यु दो हज़ार नौ कार्यकाल पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ सतासी से पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ बानवे सर्वाधिक उम्र में राष्ट्रपति चंद्रवर्ष आठ माई के थे जब राष्ट्रपति बने नंबर बारह है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन्म उन्नीस सौ अठारह मृत्यु उन्नीस सौ निन्यानवे कार्यकाल 25 जुलाई उन्नीस सौ बानवे से पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ सत्तानवे तक और इनकी खास बात है कि चार प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य कर लिया इन्होंने पी वि नर सिंह राव तो इनके समय थे जब ये बने और वाजपेयी जी एस डी देवगुड़ा और इंद्र कुमार गुजराल इन तीनों को इन्होंने शपथ दिलवाई थी तीनों को शपथ दिलवाई वाजपेयी जी उसमें तेरह दिन रहे थे लेकिन रहे जुटे थे शपथ दिलवाई थी इन्होंने नंबर तेरह है के आर नारायणन जन्म 1920 मृत्यु 2005 कार्यकाल 25 जुलाई उन्नीस सौ सत्तानवे से पच्चीस जुलाई 2002 प्रथम दलित राष्ट्रपति नंबर 14 डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जन्म 1931 मृत्यु 2015 इनके बारे में तुम तो जितना पढ़े उतना कम है बहुत ही इंस्पिरेशन ये मिसाइल मैन थे जुलाई 25 2002 से जुलाई 25 2007 सात तक कार्यकाल किया इन्होंने अपना पूरा मिसाइल मैन राष्ट्रपति और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और आता है नंबर पंद्रह श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका जन्म उन्नीस सौ चौंतीस में हुआ और कार्यकाल पच्चीस जुलाई दो हज़ार सात से पच्चीस जुलाई दो हज़ार बारह तक और प्रथम महिला राष्ट्रपति ये इससे पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी नंबर सोलह श्री प्रणब मुखर्जी जन्म उन्नीस सौ पैंतीस कार्यकाल जुलाई पच्चीस दो हज़ार बारह से पच्चीस जुलाई दो हज़ार सत्रह तक राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री ये वित्त मंत्री भी रही है कांग्रेस की सरकार में भारत रत्न दो से इन्हें सम्मानित किया गया नंबर सत्रह रामनाथ गोविंद कोविंद जन्म उन्नीस सौ पैंतालीस में वाइन का कार्यकाल पच्चीस जुलाई दो हज़ार सत्रासी अद तक हमारे वर्तमान में है तो दोस्तों मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और इस वीडियो को लाइक करके जाएं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और आते रहेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें थैंक्स धन्यवाद दोस्तों